कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो माति संगोस्तु विकर्मणि। सामने आज का मुकदमा पेश किया जाए। जोक माली जाम, राजकुमारी मीना और राजकुमार अनिल को अदालत में पेश किया जाए। राजकुमारी मीना और राजकुमार अनिल अदालत में हाजिर हो। मुकदमा क्या है, बयान किया जाए। मुकदमा ये आली जाम, राजकुमारी मीना के पिता की वसीयत के मुताबिक राजकुमारी मीना की शादी राजकुमार अनिल से होनी चाहिए। ये राजकुमार अनिल हैं? जी। पर शादी में क्या रुकावट है? हुजूर, राजकुमारी मीना शादी से इनकार करती हैं। क्यों? राजकुमारी मीना राजकुमार अनिल के छोटे भाई सुनील से मोहब्बत करती हैं। राजकुमार अनिल और राजकुमार सुनील दोनों जुड़वा भाई हैं। दोनों जुड़वा भाई तो छोटे बड़े कैसे हो सकते हैं? सरकार, राजकुमार अनिल अपने भाई सुनील से 15 मिनट पहले पैदा हुए थे। राजकुमारी मीना, तुम्हें शादी से क्यों इनकार है? इसलिए आलमपना कि मैं अनिल से मोहब्बत नहीं करती, सुनील से मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत से क्या होता है? वसीयत के मुताबिक तुम्हारी शादी सुनील से नहीं हो सकती। सब क्या है? आलमपना, मैं इस बेइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना चाहता हूँ। आपकी सरकार से इंसाफ मांगता हूँ। मैं बचपन से मीना से प्यार करता हूँ, इसकी शादी अनिल से नहीं हो सकती। चाक सवार तुम कौन हो? आपका गुलाम जिल्ले सुभानी, राजकुमार सुनील, राजकुमार अनिल का छोटा भाई। हैरत की बात है, दोनों की शक्ल इतनी मिलती है, जरा भी फर्क नहीं। और क्या है शहंशाह आलम? वो क्या है? ये पैदाइशी निशान सिर्फ राजकुमार सुनील के गले पर है, राजकुमार अनिल के गले पर नहीं। राजकुमारी मीना, जब दोनों भाइयों की सूरत बिल्कुल एक है,
फिर तुम्हें राजकुमार अनिल से शादी करने से क्यों इनकार? गुस्ताखी माफ अलीजा, मोहब्बत सूरत से नहीं दिल से की जाती है। सूरत एक है तो दिल की पहचान कैसे हो सकती है? दिल को दिल पहचानता है अलीजा। हमारी आँख खा सकती है धोखा, दिल नहीं खाता। अंधेरा हो तो क्या अंधे को रास्ता मिल नहीं जाता? बहुत खूब राजकुमारी, हम तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हुए, मगर हमारे हाथ कानून की जंजीर से जकड़े हुए हैं, इसीलिए हम फैसला देने पर मजबूर हैं। तुम्हारी शादी राजकुमार अनिल से ही होगी, राजकुमार सुनील से नहीं हो सकती। वसीयत दो मोहब्बत करने वालों को जुदा नहीं कर सकती। एक मामूली कागज का टुकड़ा दो इंसानों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं अनिल को चैलेंज करता हूँ, हम दोनों में से जो भी जिंदा बच जाए मीना से शादी कर ले। सिपाहियों, राजकुमार सुनील को गिरफ्तार कर लिया जाए। इसने अदालत की तौहीन की है और हमारा हुक्म है राजकुमारी मीना की शादी राजकुमार अनिल से कर दी जाए। ये जुल्म है सरकार। कौन है बदतमीज? मेरा नाम बदतमीज नहीं, बीरबल है। घर अंदर क्यों ला रहे हो? मैं इसे अंदर नहीं लाया हुजूर, ये मुझे अंदर लाया है। खामोश खामोश, ये गधा बाहर ले जाओ। कहो बीरबल, क्या कहना चाहते हो? अलीजा, राजकुमारी मीना की शादी राजकुमार अनिल से नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि राजकुमार अनिल 15 मिनट बड़े नहीं, 15 मिनट छोटे हैं सरकार। वो कैसे? गुलाम को साबित करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है? अलीजा, ये एक शीशे की नली है और ये दो गोलियां, एक सफेद और दूसरी काली। हम देख रहे हैं। मैं इस नली में पहले सफेद गोली डालता हूँ और फिर काली। हम मुतवज्जे। अब मुलाहिजा फरमाइए, मैं इस नली को उल्टा करता हूँ। पहले कौन सी गोली बाहर आई जो बाद में डाली गई, यानी काली। इससे साबित हुआ कि राजकुमार अनिल जो 15 मिनट पहले पैदा हुए थे, असल में 15 मिनट बड़े नहीं, 15 मिनट छोटे हैं सरकार। शाबाश बीरबल, हम बहुत खुश हुए, तुमने हमें बेइंसाफी करने से रोक लिया। राजकुमारी मीना, अलीजा, राजकुमार अच्छी है। हम ऐलान करते हैं इन दो मोहब्बत करने वालों को एक करते हैं, शादी के बंधन में बांध दिया। राह दिखा प्रभु। बाबा बाबा, आप आए नहीं, आज बड़ा अच्छा ड्रामा हुआ। अरे बेटे, एक अंधा आदमी क्या देखता तुम्हारा ड्रामा? सुन तो सकते थे। सुन तो मैं यहाँ भी सकता हूँ बेटे। अच्छा बताओ क्या क्या हुआ वहाँ पे? आज बादशाह ने हमारी शादी सुनील से कर दी। सच? ये तो बहुत अच्छा किया बादशाह ने। बेटे कहाँ तुम्हारा दूल्हा? बुलाओ जरा सुनील को, उसे भी आशीर्वाद दो। अभी तो यहाँ था। अरे पियानो बजा रहा है सुनील। पिताजी, आप अभी तक हुक्का पी रहे, मेले नहीं चलेगा? अरे भाई मेले क्यों नहीं चलेंगे, मैंने तो गाड़ी भी निकलवा ली है। अनिल को बुलाओ। अनिल को बुला? तो फिर मैं कौन हूँ? जी हाँ, मैं अनिल ही तो हूँ। ओहो भाई, तुम दोनों की सूरत ने तो मुझे ही परेशान कर दिया। अच्छा सुनील कहाँ है? सुनील शायद मीना के साथ बाद में होगा। अच्छा। अरे भगवान, तुम भी तो खाओ। मैं बाद में खाऊंगी। अरे भाई, साथ में खाने का मजा कुछ और ही है। ना बाबा, पहले पति फिर पत्नी। ओह, कब की बातें करती हो, सुनील की माँ, जमाना बदल गया है, आजकल मियाँ और बीबी इकट्ठे खाते हैं। शैतानों, मेरी नकल उतारते हो। हम नकल नहीं उतारते चाचा जी, हमारी तो शादी हो गई है। हाँ हाँ, वो भी हो जाएगी, वक्त तो आने दो। अच्छा ये बताओ, मेले चलते हो? हम भी चलेंगे चाचा जी। हाँ आओ आओ बेटा, तुम भी आओ। Thank you.
चेहरों की ये नई नवेली जोड़ी, मुस्काते चेहरों की ये नई नवेली जोड़ी, बनी रहेगी यूं ही जब तक डोरी ना तोड़ी। डोरी रिश्ता है, डोरी नाता है, डोरी खोने से सब खो जाता है। थाम के रखना डोर सदा, जो प्रेम का खेल है खेला मेला मेला जगवाना। साथी मेरे चलता रहे वो मेला, कोई आए कोई जाए, कोई रोए कोई गाए, कोई खोए कोई पाए, मेला रुकने ना पाए। मेला जब डोरी फिर बिछड़े कौन मिलाए, टूट गई जब डोरी फिर बिछड़े कौन मिलाए। सोचूं माथा पटकूं पर कुछ भी समझ ना आए। डोरी यादों की, डोरी बचपन की, डोरी सांसों की, डोरी डोर मिले तो मान लूं मेला, नहीं तो दुख का रेला। मेला मेला जग वाला, साथी मेरे चलता रहे ओ मेला। आ जाएगा ना? हाँ, अरे तू रो रही है पुगली? जा जा सो जा, आ जाएगा, जरूर आ जाएगा, जा जा।
मगर सुनील नहीं आया। मीना इंतजार करती रही। वक्त गुजरता गया, जिंदगी की किताब के वर्क उलटते रहे। बेटे के गम में दीवान सरदारी लाल जल बसे, मगर मीना ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और सुनील की याद को सीने से लगाए जवान हो गई। बचपन की छोटी सी कहानी जवानी की लंबी दास्तान बन गई। मीना के जवान होने के साथ साथ सुनील का हमशक्ल भाई अनिल भी जवान हो गया। हेलो, वन मोमेंट प्लीज। हेलो खिमचंद जी, बोलिए, क्या भाव खुला चांदी का? बाजार ऊपर जा रहा है? नहीं, अभी नहीं बेचूंगा। अरे 1.5 लाख से क्या बनता है सेठ जी, आप 500 पेटी और खरीद लो मेरे नाम पर। अरे कहा ना भाई, बहस मत करो, 500 पेटी और खरीद लो मेरे नाम पर। हाँ, थैंक यू। मुलाजा होशियार। क्या बात है भाई बीरबल? अरे भाई, हमारे आने का ऐलान हो रहा है, क्या हो रहा है? और ये सुबह सुबह तुम कहाँ टपक पड़े? मैंने तो तुमको नहीं बुलाया था। दे रहा। अरे तुम जुर्म ना करो तो हम सजा भी ना दें। क्या मतलब? अरे भाई, मैं गया ही कब था जो तुम बुलाते? तो ये कल से धरना जमा के आप मेरे ही घर में बैठे हुए? तो और क्या? तो क्या इसको तुमने मुसाफिर खाना समझ रखा है कमबख्त? हे राम, लोग डरते हैं कि उनका घर मुसाफिर खाना ना बन जाए, और ये भूल जाते हैं कि खुद भी तो दुनिया के मुसाफिर खाने में ही ठहरे हुए हैं। बीरबल साहब जी, ये कोई वाजिद अली शाह का जमाना नहीं, और ना ही आप कोई मिर्जा गालिब के भतीजे हैं जो सरकारी वजीफा महीने के महीने आपके घर पहुंचता चला जाएगा। मैं आपको साफ कह देता हूँ, 7 दिन के अंदर अंदर अगर ड्रामा लिख के मेरी टेबल पर मेरे सामने न रख दिया तो तुम्हारा पेटी बिस्तर पर धुआंगा, तुम्हारा टिकट कटवाऊंगा और तुमको सीधा वापस झांसी भिजवा दूंगा मैं। देखो मिस्टर, ये झांसी का झांसा नहीं चलेगा, वहां से गाड़ी वापस भी आती है। हे राम, कहां फंस गया ये? बिल्कुल मास्टर हो गई आप इस धुन में मीना जी। थैंक यू। थिएटर जा रहे थे? ये मेरे आते ही मुझे भगाने की क्यों इतनी जल्दी बजाती है आपको? थिएटर जाना है, जिस वक्त जाना होगा चला जाऊंगा। वैसे रोज दिन आपके सलाम से शुरू करता हूँ, इसलिए सलाम करने हाजिर हो गया। उफो, आते ही शुरू हो गए। चाय पियोगे? जी नहीं शुक्रिया, आप ही शौक फरमाइए। गरम गरम हलवा लाइए साहब, हलवा तो खाओगे? अभी मुंह मीठा करने का वक्त आया कहाँ है। जाओ तुम। हाँ जाओ जाओ भाई, इनको भी कुछ काम करने दो, घर का काम काज सीखने दो, कल को शादी हो जाएगी और जिस लड़के से शादी होगी उसकी पसंद नापसंद हमें भी मालूम है। तुम्हें तो सब कुछ मालूम है, जुबान कैंची की तरह चलती है, खुद ही सवाल करते हो खुद ही जवाब देते हो। खुद जवाब इसलिए देता हूँ कि मेरी बात का जवाब आप कहाँ देती हैं, और अगर जान की अमान पाएंगे तो एक बात और आपसे अर्ज करेंगे। कीजिए। आज हमारे थिएटर में एक नया शो हो रहा है और मैं चाहूंगा कि आप वहां पर तशरीफ लाएं और हमारी इज्जत अफजाई फरमाएं। अनिल, तुम्हें मालूम है कि मुझे ये सब कोई इनकार मत किया करो, फौरन किसी का दिल नहीं तोड़ा करते। ठहर जाओ, कहाँ गई वो ठन्नी? ये रही, बोलो हेड द टेल। हेड्स हेड्स। टेल। मैं जीत गया, आना पड़ेगा। फिर भी मैं नहीं आऊंगी। मैं फिर भी इंतजार करूंगा। अब आप अपना नाश्ता कीजिए आराम से, हलवा खाइए, चाय पीजिए। आना पड़ता है अनिल। mm.
अंदर मत जाना। क्या कपड़े बदल रही है, कोई आया हुआ? कपड़े बदल रही होती तो मैं अंदर ना होता। कौन है? अरे भाई, धन वालों की दुनिया है और निर्धन के भगवान। तुम्हारा मतलब वो कमबख्त धनराज फिर आएगा? हमारे थिएटर में धनराज नहीं तो क्या रामराज आएगा? क्या बदन है जैसे हीरे का टुकड़ा, हुस्न है तो लाजवाब, खूबसूरती है तो बेमिसाल। पद्मा जी, ये जलवा तुमने थिएटर की काल कोठड़ी में क्यों बंद कर रखा है? दुनिया के सामने आओ, मैं लाऊंगा कल ही फिल्म में, तुम कहीं से कहीं पहुंच जाओगी, दुनिया देखेगी और हाय हाय करेगी, खूबसूरती की धूम मच जाएगी, आग लग जाएगी हिंदुस्तान में और दौलत की बारिश होगी। मगर पद्मा जी, ये सब कुछ उस दिन होगा जिस दिन मैं तुम्हें हिंदुस्तान की बेहतरीन फिल्म स्टार बनाऊंगा। अनिल को इस हीरे की क्या परख? अनिल, क्यों बे बंजे फिर आ गया? क्या हो रही है इस शहर में? मैं तो फोटो लेकर आया था। किसका फोटो? मैं कहता हूँ अनिल सेठ, मुझे हाथ ना लगाना, मैं दिल का मरीज हूँ। भाड़ में गया तेरा दिल, निकल यहाँ से, निकल। मेरा स्लाइड प्रोजेक्टर तो दे दो, 5,000 रुपए का भी नहीं मिलेगा। ए राम, उसकी गोद में पद्मा और हमारी गोद में सदमा। बहुत नाराज हो? मैं क्यों नाराज होता? अगर मेम साहब को पैसा बनाने का इतना ही शौक है तो शौक से काम करें जाएं। तुम क्या समझते हो, तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी? तुम क्या समझती हो, मैं तुम्हें जाने दूंगा? मुझे मालूम है अनिल बाबू अपनी पद्मा को कितना प्यार करते हैं। चो, चो, चो। अनिल, आज शो के बाद हम कहीं चले? प्लीज डार्लिंग। कहाँ चले? जहाँ हमारे और तुम्हारे सिवा कोई ना हो। Just you and me. बीच में कोई भी दीवार ना। मगर दीवार तो आ गई। दीवार? मीना सरकार। मीना? मीना? मीना हिस्सा? Wonderful! आज ऊपर वाले ने सुन ली। Thank you, sir. पद्मा मेम साहब, आज का डांस, आपका प्रोग्राम इतना उम्दा होना चाहिए, इतना बेहतरीन होना चाहिए कि जिसका कोई जवाब ना हो। मीना को राम करने के लिए मेरे हाथों मेरा ही गला कटवाना चाहते हो? ओए! बहुत मोटी हो गई। आप आ गई? मीना देवी, मैं आप ही से कह रहा हूं, तशरीफ रखिए। सुने या ना सुने।
धड़कन खिल जाए, जन्नत मिल जाए, छुप कर राहों में आ जा बाहों में, आएगी झूमेगी नाचेगी शोख नाजनी जाने के हम नहीं, अरे मर जाएंगे यही। ना 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 पसंद आया? शो पसंद आया? ध्यान है कहाँ? ये शो देखकर मुझे वो ड्रामा याद आ गया। कौन सा ड्रामा? जो हम बचपन में खेला करते थे। याद है? बादशाह ने मेरी शादी सुनील से कर दी थी। मीना जी, अगर मरने वालों के लिए आपके दिल में इतना प्यार है तो नाचीज भी जान देने के लिए तैयार है। अनिल, ये बदनसीब परवाना जो आपके चारों तरफ मंडलाता रहता है, इसके लिए आपके दिल में, दिल के किसी कोने में कहीं भी थोड़ी सी भी जगह नहीं है क्या? जगह तो है, ये दिल बरसों से खाली पड़ा है, सिर्फ तुम्हारे भाई के लिए। मैं सुनील को नहीं भुला सकती। सब भूल चुका हूँ, कुछ याद नहीं। याद नहीं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या नाम है मेरा। हां, अगर याद है तो सिर्फ ये आश्रम। छोटेपन में मुझे इसी आश्रम में लाया गया और इसी आश्रम में मेरा नाम विष्णु सहाय रखा गया। इसी आश्रम में मैं पलकर बड़ा हुआ, इसी आश्रम में मैंने तालीम पाई और आज उसी तालीम की बदौलत मैं इसी शहर में सेशन की अदालत में जज के ओहदे पर हूं। इस आश्रम के बच्चों को मेरा ये पैगाम है कि वो सच्चाई, मोहब्बत और इंसाफ को अपनाएं
वो जिंदगी में अपने फर्ज को महसूस करें और अपने फर्ज को पूरा करने की कोशिश करें, और किसी कीमत पर भी कभी भी इंसाफ के दामन को अपने हाथ से न छोड़ें। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जज साहब भी क्या आला दिमाग इंसान है, वाह 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 यार क्या तकरीर करते हो, दिल चाहता है तुम्हारा बुत बनवा। मर जाओ तो ये हसरत भी पूरी कर लेना। अरे भैया तुम यहाँ क्या ले आए, क्या है ये हसरत? तो तुम्हारे जीते जी भी पूरी हो सकती है अगर बाला देवी जी साथ हैं तो। रात को मुलाकात हो रही है ना? विष्णु 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 तो हीरा आदमी है, हीरा हीरा। अरे हीरा हीरा क्या है, खुशकिस्मत आदमी है कहो। देखो कैसी हसीन वफादार बीवी मिली है, और भगवान ने कैसा जिगरी वफादार दोस्त दिया है इंसान को, और क्या चाहिए बोलो। चला चल। माला आई, क्या बात है, सारा घर आपने तो सर पे उठा। भाई हमारे कॉलर का ये बटन लगा दो, हमसे तो लगता ही नहीं। लाइए लगा देती हूँ। तुमने खिला पिला के इतना मोटा कर दिया ना डार्लिंग, के हमारे सारे कपड़े तंग हो गए। ठीक, ये निशान अच्छा है आपके गले पर है। अगर माथे पर होता तो कितना बुरा लगता है। अब अच्छा बुरा जो भी है, हमारे बचपन की यही एक निशानी है। बचपन 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 का करना भी क्या है आपको, भगवान का दिया तो सब कुछ है अपने पास। ये बात भी ठीक ही है, अगर बचपन कहीं याद आ गया तो न जाने क्या क्या भेद खुले। हो सकता है मैं मुसलमान निकलूं, हो सकता है मैं सिख निकलूं, ईसाई निकलूं, और अगर कहीं इत्तेफाक से अछूत निकल आया तब तो शायद तुम हमें छोड़ ही दोगे। जरूर छोड़ूंगी। तुम हमें छोड़ दोगी तो हमारी जिंदगी भी हमें छोड़ देगी रानी। आपकी जिंदगी मैं नहीं। तो फिर कौन है? अदालत, कानून, कचहरी। बात तो ये भी एक तरह से ठीक ही है। हम अक्सर सोचते हैं कि अदालत में अगर मुजरिम के कचहरे में तुम गुनाहगार बन के हमारे सामने आ जाओ तो क्या हम इंसाफ कर सकेंगे? तो क्या आप ये सोचते हैं कि मैं गुनहगार हूँ? अवश्य गुनहगार हूँ। ये और बात है कि हम कुछ कहते सुनते नहीं हो, इतना गुनहगार तो तुम हो, बिल्कुल हो। तुमने हमारा ईमान खराब कर दिया। एक भोले भाले आदमी को तुमने अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया है। आप तो मोहब्बत ऐसे करते हैं जैसे सजा दे रहे हो, पर अपनी दाढ़ी तो हटाइए। अरे तू क्या हुआ, हमारी अपनी ही दाढ़ी तो है, किसी गैर की तो है नहीं। कचहरी जाने की घंटी बज गई जैसा। जज साहब अब प्यार मोहब्बत की बातें छोड़ो, कचहरी में चलकर इंसाफ की कुर्सी संभालो। रोज तुम हमें बातों में लगा लेती हो और हमें कचहरी जाने में देर हो जाती है। तो ये इल्जाम भी आप मुझे पर डालेंगे? अब सच्ची बात तो सच्ची बात होती है। हेलो रानी, गुड मॉर्निंग शगन। वफा सीखनी हो ना तो इंसान कुत्ते से सीखे। मुझे तो एक काट खाने को आता है। कुत्ते को कहते हैं भले बुरे की पहचान होती है। अच्छा जी, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मुझे आपके कुत्ते से लेना पड़ेगा। अब ये तुम जानो और रानी जाने। अब हम चलते हैं रानी। बाय 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 बाय। बोलो। आज शाम को जरा जल्दी आइएगा ना, मुझे कुछ खरीदना है। आज फिर खरीदना है? फिर बेचारे जज का खर्चा कराओगी तुम? आज मेरा जन्मदिन है, आप तो हमेशा भूल जाते हैं। अरे जज,
फिर तो बाबा हम जल्दी शाम को ही आ जाएंगे यहाँ। लेकिन जरा देर सवेर हो गई ना तो तुम ऐसे करना कि तुम राजन के साथ चली जाना, मैं उसको वहीं से फोन कर दूंगा। डार्लिंग, आप तो हमेशा मुझे राजन के साथ भेज देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। लो, इस दुनिया में एक राजन ही तो हमारा दोस्त है, सच्चा दोस्त, और उसके लिए आप ऐसी हल्की हल्की बातें करेंगी तो जज साहब का दिल टूट जाएगा। अच्छा अच्छा, माफी चाहती हूँ। नो 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 नो, बाय बाय। माला, जानू टेलीफोन करने में इतनी देर क्यों कर दी? मजबूरी तो तुम जानते हो। यानी कि जज साहब ने घर का इजलास लंबा कर दिया, यही ना? अभी अभी तो गए हैं। इन्हें किसी लंबे सफर पर भेज दो, सारा दिल खोलकर मुलाकात हो, यूं छुप छुप कर मिलने में मजा नहीं आता। कहते हैं चोरी का फल ज्यादा मीठा होता है, और चोरी भी जज साहब के घर में। एक मिनट माला, होल्ड ऑन। हेलो, कौन? राजन। अरे भाई, मैं हूँ विष्णु। विष्णु? घबरा क्यों गए हजरत? क्या किसी माशूका से बातें कर रहे थे? बुरा मान जाओगे जज साहब, कर तो रहा था। भाई माफ करना, फिर तो हमने रंग में भंग डाल दी। लेकिन ये बात भी याद रखो, अगर बात किसी दिन कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई तो फिर हमसे न कहना। सुनो भाई, हमारा एक काम कर दो तो। हाँ हाँ, कहो कहो। आज दरअसल तुम्हारी भाभी का जन्मदिन है और हम यहाँ कचहरी के काम में उलझे हुए हैं भैया, तो तुम जरा उसे अपने साथ ले जाओ, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करा दो बेचारी को। अरे नहीं विष्णु, आज नहीं जा सकूंगा, आज बहुत बिजी हूँ यार, आज नहीं जा सकूंगा। क्या कहा, नहीं आ सकोगे? अभी आ रहा हूँ हजूर, अभी आ रहा। और हमारा तोहफा? वो भी साथ आ रहा है। ये वही मोतियों का हार है योना, जो मुलजिम की बीवी को उसके प्रेमी ने दिया था। यही वो हार है जिसकी वजह से मुलजिम ने अपनी बीवी को गला घोंट के मार डाला। योना, मुलजिम की बीवी का प्रेमी उसका जिगरी दोस्त था, और उस दोस्ती के पर्दे में वो एक दूसरे से मिलते रहे, रंगरलियां मनाते रहे, ऐश करते रहे। योना, पिछले 5 साल से मुलजिम की बीवी और उसके दोस्त के नाजायज ताल्लुकात थे। फाजिल वकील की ये बातें हमें अजीब व गरीब दास्तान सी मालूम होती हैं। एक दोस्त अपने दोस्त के एतमाद को, उसके एतबार को झुठलाता रहा, दोस्त की बीवी पर अपनी हविस और अपनी वासना के डोरे डालता रहा, समाज और अखलाक की उम्दा कदरों को बराबर तोड़ता रहा, दोस्त की गृहस्थी को गंदा करता रहा। ये सब 5 साल तक होता रहा और दोस्त को इस बात का कोई इल्म ही नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है योर ऑनर, जब दायां हाथ बाएं हाथ को काटने लगे, घर का चिराग घर को आग लगाने लगे, अपने अपनों को धोखा देने लगे, एक दोस्त जिसका काम है प्यार करना, एक बीवी जिसका काम है वफा करना, अगर ये दोनों ही धोखा देने पे उतर आए तो कौन धोखा नहीं खा जाएगा? क्या मैं धोखा नहीं खा जाऊंगा? और गुस्ताखी माफ, क्या आप धोखा नहीं खा जाएंगे? मैं की करूं?
वकील साहब, योर ऑनर, मुझे एक मुकदमे के सिलसिले में कल मसूरी जाना पड़ेगा। इस मुकदमे के लिए अगले महीने की 7 तारीख ठीक रहेगी? इट सूट्स मी, थैंक यू। ये मुअज्जिज़ शहरियों की टोली कहाँ जा रही है? देखिए जज साहब, इस बार इलेक्शन में आपको हमारी तरफ से खड़ा होना पड़ेगा। इलेक्शन में मुझको खड़ा कर रहे हैं? अरे भाई, क्यों कांटों में घसीटते हैं? वहाँ लोगों का क्या हाल होता है जाके आपको तो पता है। मुझ गरीब की तो दाढ़ी भी नोच डाले। नहीं भाई, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं माजूर हूँ, मुझे माफ कीजिए। नहीं नहीं, मैं कमाल है, कमाल है। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार जय साहब। अरे मैं किस लिए आया? लीजिए, ये भूल गया इन लोगों की बातों में। अरे हाँ हाँ हाँ, आपकी भाभी का जन्मदिन है आज। मुबारक हो, मुबारक हो जय साहब। तो कोई अच्छी सी चीज उनके लिए चुन के? जरूर जरूर। लेकिन देखिए, बहुत ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए। साहब, आप राजा आदमी हैं, आपके लिए महंगी सस्ती क्या? नहीं, वो चीज दिखाऊं कि भाभी की तबीयत बाग बाग हो। हाँ, हाँ, लेकिन हमारी जेब की मुनासिबत से होनी चाहिए। ये मुलाजा फरमाइए। भाई वाह 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 वाह, ये तो बड़ी शानदार चीज है साहब। हाँ, और फिर जब वो पहनेंगी तो और भी दमक उठेगा। बेशक। इसके क्या दाम होंगे? फकत 5,000। 5,000 रुपए? अरे नहीं किबला, आप हमें तो कोई 400-500 रुपए की चीज बताइए। जी हाँ, भला सस्ते तोहफे की क्या कदर होगी जय साहब? नहीं नहीं पंडित जी, ये भूल मत कीजिएगा आप। हाँ, तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती है, देने वाले का दिल देखा जाता है। देने वाले का दिल तोहफे की कीमत से ही तो देखा जाता है। कितने का है? 4,000 का है। औरत का दिल जितना तो कोई तुमसे सीखे। शायद वो आ गए। हेलो विष्णु। क्या देख रहे हो? तुम दोनों को देख रहा हूं। क्यों? आज दरअसल मैं एक बड़ी उलझन में पड़ गया। कैसी उलझन? राजन, तुम मेरे दोस्त हो, माला मेरी बीवी है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ मेरी गैर मौजूदगी में मिलते जुलते हो। हम दोनों साथ खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, इसलिए कि तुम मेरे दोस्त हो। लेकिन क्या ये मुमकिन हो सकता है कि तुम मेरी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाओ और मेरी पीठ में खंजर घोंप दो? तुम्हें आपके हम दोनों पर शक कर रहे हैं? अरे राम राम राम, रानी तुम भी कैसी उल्टी सीधी बातें करती हो। मैं और तुम दोनों पर शक करूंगा? अरे तुम दोनों तो मेरी आंखें हो, आंखें मेरे दिल की धड़कन हो। हाँ, तुम दोनों पर शक करूंगा तो मर नहीं जाऊंगा मैं। आज दरअसल अदालत में मेरे आगे एक अजीब मुकदमा पेश आ गया। अजीब और गरीब मुकदमा। एक दोस्त ने दोस्त के साथ बेवफाई की, उसकी बीवी के साथ उसने नाजायज ताल्लुकात पैदा किए, उस बेचारे का घर बर्बाद कर दिया,
और तुम दोनों को देख के मैं यही सोच रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ ऐसा जलील धोखा कर सकता हो, ऐसा मनहूस फरेब उसे वो दे सकता है? आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल, मुमकिन नहीं है। आप भी कचहरी की बातें कचहरी में छोड़कर आया कीजिए। हाँ ये बात भी ठीक है रानी। मैं तोहफा कहाँ? आप समझ रही होंगी कि हमें याद नहीं रहा होगा। आंख बंद करो। बंद किए रहो, थोड़ी देर ठहर जाओ, खोल दो आंख। ज्यादा कीमती नहीं लेकिन हमें बहुत पसंद आया। तोहफे में कीमत नहीं, देने वाले का दिल देखा जाता है। यही बात हमने दुकानदार से कही लेकिन वो हमारी बात समझे ही नहीं। खैर हम पहने। अरे राजन तुम्हारा रुमाल। अरे ये तो ठीक से लगा ही नहीं। भाई हम तो अनाड़ी आदमी है, तुम ही लगा दो इसे। लगा दो जरा। हैप्पी बर्थडे टू माला, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे बाबा देर हो गई, जल्दी करो। माला माला क्या है, क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? आ रही हूं मैं। 10 बजे मसूरी पहुंचना था, अच्छे यहीं बज गए हैं। ये लोग तो मुझे नौकरी से निकलवा के रहेंगे। अरे मेरी छड़ी कहाँ गई? ए ए चोर, अरे तेरे पास है, चल ला। अरे 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 ये क्या कर रही हो तुम, इतना बोझा खुद उठा के लाने की क्या जरूरत? रामू रामू, अरे देखते नहीं मैम साहब खुद बक्सा उठा के ला रही हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? ले जाओ उसको, उठा के गाड़ी में रखो। माफ कीजिए, बिल्कुल निकम्मे हो गए तुम सब लोग। डार्लिंग आप मसूरी तो जा रहे हैं लेकिन वापस कब आएंगे? अरे जाने को ही किस मर्दूत का जी करता है, पता है जज साहब का बस चले ना तो 8 पहर अपनी बीवी के खटिया के साथ ही लग के बैठे रहे हैं। हाँ क्या है भाई, शादी किए को भगा के तो नहीं लाए? आगे गुलफाम हम तो समझा तुम सोते ही रह जाओगे। अरे भाई तुम जा रहे हो यही सोच कर रात भर नहीं सोए। देखो झूठ बोल रहा है कितना। अरे मसूरी ऐसा कौन सा 7 समंदर पार है, आज जाएंगे कल परसों फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन देखो हमारे जाने के बाद हमारी प्यारी बीवी का खास ख्याल रखना होगा। पूरा पूरा ख्याल रखूंगा जज साहब, आप बेफिक्र होकर तशरीफ ले जाएंगे। और तुम रानी, रानी तुम इन दोनों का ख्याल रखना समझे। बेड़ा बोलता है, बेड़ा। अनिल घर पे नहीं है बट। हाँ अच्छा घर पे है और कहता है घर पे नहीं हूँ, चखाती हूँ मजा। तो चुकी कमला लेकिन ये आज बनाओ सिंगार किस खुश किस्मत के लिए है। कौन है ये बदतमीज? बदतमीज कौन हो सकता है, मैं हूँ अनिल। तो तुम हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं इसमें शर्म की क्या बात है, ये तो रोज का दस्तूर है आपको फोन करना, फोन पे सलाम करना, आके सलाम करना। अनिल अपने आप को समझता क्या है, उसे मेरी परवाह नहीं, मैं भी उसकी कोई परवाह नहीं करती। धनराज जी मैं आपकी पिक्चर में काम करूंगी।
तुम प्रोड्यूसर धनराज की फिल्म में काम करोगी? हाँ हाँ जरूर करूंगी। मैं अनिल को छोड़ दूंगी। अनिल क्या, मैं थिएटर भी छोड़ दूंगी। अगर ऐसा हो गया तो देखना फिल्मी दुनिया में जलजला आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, हलचल मच जाएगी। ओह मेरा दिल। क्या हुआ धनराज जी? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, मैं खुशी में मर जाऊंगा। मैं क्यों नहीं मरेगा, मैं तुझे मारूंगा कमबख्त। अनिल ये क्या किया तुमने, ये तो मर गया, अब क्या होगा? गाड़ी आपका है? क्यों क्या बात है? आपके गाड़ी का बत्ती जलता है। अठारह नंबर साहब को 25 नंबर कमरे में ले जाओ। Excuse me, sir. What can I do for you? कमरा चाहिए। कमरा तो नहीं, स्वीट है। स्वीट दे दे। जरा ये भर दीजिए। मिस्टर राणा, ये पढ़ा आपने? किसी थिएटर वाले ने एक फिल्म प्रोड्यूसर का खून कर दिया। हेलो। बड़ी शरीर हो तुम। नहीं सब ठीक है। कोई कमरा खाली नहीं। तुम तो अच्छी हो ना? नहीं मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम मेरी कोई चिंता न करो। वो आया था राजन? नहीं आया था? कहना उससे कि मैं आके उस पाजी की खबर लूंगा अच्छी तरह। नहीं तुम मेरी चिंता न करो, अपना ख्याल रखना। मैं आ जाऊंगा कल परसों तक आ जाऊंगा रानी। हाँ मैं ये क्या करूंगा रानी, मैं तो आ जाऊंगा। हाँ रानी, बाय 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 बाय। थैंक यू मिस्टर राणा, थैंक यू। आपका बैग साहब, ये आपकी चाबी। थैंक यू। बैग रूम में ले जाओ। जी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही ले जाऊंगा। Thank you.
ताज्जुब है, आपकी पल्स नॉर्मल है, आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, मुझे तो कोई बीमारी दिखाई नहीं देती। आप ही बताइए आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ है ये डॉक्टर साहब कि रात को नींद नहीं आती। कोई दिमागी परेशानी है? दिमागी परेशानी आजकल किसको नहीं है डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं गोलियां लिख देता हूँ, सोने से पहले सिर्फ दो गोलियां खाना, दो से ज्यादा नहीं खाइए। अगर ज्यादा खाने तो क्या होगा? नुकसान देती है, आदमी मर भी सकता है। आदमी मर भी सकता है। मैं आई। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? इजाजत? तशरीफ रखिए। ये तो बड़ी ज्यादती की बात है, एक शरीफ आदमी तो बेचारा परेशानी में पड़ जाए, लेकिन साहब आपने तो कमाल किया, बिल्कुल उसको पकड़कर अपनी गोद में ही बिठा लिया आपने, उसकी कमर में भी बाहें डाल दी। कहें तो ऊपर कमरे में बुला ले उसे, आ जाएगी। यूं आ जाएगी? नहीं 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 अच्छा तो आप अभी देख लीजिए तमाशा। वेटर! अरे नहीं साहब नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। राम राम राम। अरे भगवान के लिए आप ऐसा क्या कर रहे हैं? मैं तो शादी शुदा आदमी हूँ, कहीं मेरी बीवी को पता चल गया तो जूते पड़ जाएंगे मुझको। साहब अजीब कुछ मेरे ख्याल से इस खाने से छाती में न जाने क्या कुछ खराश सी आ गई, मुझे तो होटल वोटल का खाना पसंद नहीं आता। चले मेरा ख्याल है, क्या ख्याल है? यहाँ तो तमाशा भी खत्म हो गया, वो छड़ी मेरी कहाँ गई बौखलाहट में? ये रही नीचे। चले चलिए। यस व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर? यस सर, यस, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी जस्ट साहब, आपका तार। थैंक यू लुइस। यस सर। ऊपर हमारे कमरे में एक दो कप कॉफी भेज दो भाई, एस्प्रेसो। दो कप कॉफी क्या एक साथ पियेंगे आप? एक कप आपके लिए है जज साहब, अभी तो 11 भी नहीं बजे। चलिए ऊपर चल के थोड़ी देर कुछ बातचीत करेंगे, और अगर आपको शौक हो तो एक दो हाथ रमी के हो जाए। हो जाए साहब, सुना ही है।
ठीक। जरा एक दो जोकर बांट दीजिएगा मनाड़ी में। हाँ लीजिए जज साहब अपने पते। अरे भाई बाबा ये तो टेबल ही घूम रहा है। लेकिन साहब हम ये पत्ते नहीं लेंगे। क्या क्या बता साहब आपने पत्ते लगा लिए हो तो है? हम तो वो पत्ते लेंगे जो आपके सामने है। ये दाता दा अरे ये तो पहले ही लगा लगाया आ गया साहब हमें। भाई वाह 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 वाह। अरे ये देखिए जनाब आली आदावत है। बाजी तो आपकी पिट गई, बाजी तो पिट गई आपकी। और ये तो गुलाम पे गुलाम, गुलाम पे गुलाम, भाई गुलाम पे गुलाम। ये पोजीशन आपकी यहाँ है राजा साहब। बहुत दूरों पे है साहब हमारा लग तो, किस्मत बहुत दूरों पे। अब जरा आपके पत्ते देंगे। साहब अगर आपने मेरे पत्ते देख लिए तो मेरा तो खेल ही चौपट हो जाएगा। अरे साहब देखिए ये देखिए खेल तो चौपट हो गया है। ये राजा रानी के साथ इक्का मिल गया। आइए नहीं साहब उठाइए, देखिए उठा के देखें ये जा सकता है। आप तो अच्छी खासी रमी खेलते हैं जज साहब। अरे भाई एक जमाने में हमारी बीवी को बड़ा शौक रहा, बस सात दिन रमी ही रमी। वैसे औरतों का ताश खेलना मुझे ज्यादा पसंद नहीं। अरे भैया हम ठहरे जोरू के गुलाम, हमारी पसंद ना पसंद का क्या सवाल है। कम इन। लीजिए कॉफी भी आ गई। आपकी चाल है दीवान साहब। पहले पहले साहब के सामने ये लीजिए। गोलियां वोलियां हैं? नींद की गोलियां हैं जज साहब, नींद नहीं आती। भाई वाह ये जवानी में आपको गोलियों की जरूरत पड़ गई भाई। अरे हमें तो आपकी शीशी देख के नींद आने लगी। ये तो जोकरों की गड़बड़ हो गई। इसको इधर लगा दें, देखिए आके इसको रखा ये बेकार का। लीजिए साहब डिक्लेयर पॉइंट गिनी है अब। अच्छा 23 23 ही सही। अच्छा अब जरा कॉफी हो जाए। हाँ हो जाए साहब। सब काफी है बड़ी उम्दा। खाना कुछ अच्छा नहीं है यहाँ का। तबीयत भारी हो गई।
भाई साहब, आपकी गाड़ी जो नहीं वो गाड़ी है आपकी। मसूरी में मोटर कार का एक्सीडेंट, जस विष्णु सहायक अचानक मोटर एक्सीडेंट में मारे गए। बस तो जाएगा, डर है दिमाग पर कोई असर न पड़े। मैंने कहा था दो गोलियों से ज्यादा मत खाना, लगता है ज्यादा खा गया। कमेंट साहब, ये देखिए डॉक्टर साहब, ये तो दीवान अनिल कुमार है जो दिल्ली के सेठ धनराज का खून करके भागा है। ये देखिए फोटो। लगता है इसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। मिस्टर राणा जी, ये लीजिए, फौरन इसे हॉस्पिटल भिजवा दीजिए। हवलदार जी, पुलिस स्टेशन पर इत्तला करो। बहुत अच्छा जी। हमारा प्यारा विष्णु हमसे छिन गया। अगर भगवान से कुछ मांगता हूं तो सिर्फ ये कि परमात्मा माला देवी को सबर दे और इनके पति की आत्मा को शांति दे। मगर ऐसी हस्ती की मौत पर आंसू बहा देना ही काफी नहीं, हमें उनकी याद को इज्जत देनी चाहिए, कोई शक्ल देनी चाहिए। मेरा और विष्णु सहाय की धर्मपत्नी का ये विचार है कि हम उनका एक बुत बनवाएं ताकि वो हमेशा हमारी आंखों के सामने रहें और उनकी याद अमर हो जाए। उम्मीद है आप सब लोग इस शुभ काम में हमारा हाथ बटाएंगे। जरूर जरूर। ये तुम्हें भूत बनवाने की क्या सूझी? अरे याद है अनाथ आश्रम के जलसे में मैंने विष्णु सहाय से कहा था कि तुम्हारा भूत बनवाऊंगा, सो वादा पूरा कर रहा हूँ। बड़े खराब। मेरा मिस्टर, ये होटल नहीं हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल? हाँ मिस्टर अनिल। मेरा नाम अनिल नहीं, अनिल नहीं। मिस्टर बनने की कोशिश मत करो, हमें पुलिस ने सब कुछ बता दिया है, तुम कत्ल करके भागे हो। क्या बकते हो तुम, किसका कत्ल, कैसा कत्ल? तुम सब मेरे खिलाफ कोई साजिश करना चाहते हो तुम? नर्स, डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। सुनिए जी, इंस्पेक्टर साहब से कह दीजिए दिल्ली कोर्ट को खबर भिजवा दें, मुलजिम यहाँ है। बहुत अच्छा जी। मिस्टर जाहर, क्या आपके सामने मुलजिम अनिल कुमार और धनराज के दरमियान कोई झगड़ा हुआ था? जी नहीं। तो आपका मतलब है कि मिस्टर अनिल कुमार ने बगैर किसी इश्तियाल के जानबूझकर
ये डंडा धनराज के सर पर मारा था। जी नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि धनराज की मौत सिर्फ एक इत्तफा की मौत थी? जी नहीं। जी नहीं, जी नहीं क्या? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैंने ना कुछ देखा और ना कुछ सुना। मैं जब कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो धनराज मर चुका था। मर चुका था जी। तो फिर ये बात आपने पहले किसी से क्यों नहीं कही? क्योंकि ये बात पहले किसी ने मुझसे पूछी नहीं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मैं आपकी तवज्जो इस डॉक्टरी रिपोर्ट की तरफ दिलवाना चाहता हूं जो अभी अभी आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक धनराज की मौत किसी डंडे या लाठी की चोट से नहीं हुई, बल्कि उससे पहले ही दिल की हरकत बंद हो जाने से हो चुकी थी। योर ऑनर, इट्स ए क्लियर केस ऑफ नेचुरल डेथ बाय हार्ट फेलियर एंड नॉट ऑफ मर्डर। प्लीज। कांग्रेचुलेशन, आप खून के मुकदमे से बरी हो गए मिस्टर अनिल, मुबारक हो। स्टॉप योर नॉनसेंस डॉक्टर, मैं आप लोगों से कई बार कह चुका हूं मैं अनिल नहीं हूं, नहीं हूं मैं अनिल, लेकिन आप लोग नहीं सुनते हैं। याद रखिए, यह गैर कानूनी हरकत है। आप लोग मुझे एक दूसरे आदमी का नाम देकर यहां पर कैद करके रखना चाहते हैं, गिरफ्तार करके रखना चाहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, कानूनी कार्रवाई करूंगा, एक एक को मैं कैद करा दूंगा। हाँ, मैं 100 दफा कहता हूं अनिल नहीं हूं, अनिल नहीं हूं, अनिल नहीं हूं, लेकिन मेरी कोई नहीं मानता है। लेकिन आप अनिल नहीं है तो और कौन है? मैं विष्णु सहाय, गोरखपुर का जज। मिस्टर, आपको शायद मालूम नहीं होगा, विष्णु सहाय गोरखपुर के जज मर चुके हैं। नर्स, इन्हें जरा पेपर दिखाओ। यस डॉक्टर। ये लीजिए। जिस बात का डर था वही हुआ, बेचारा दिमाग खो बैठा। शायद इसे पागलखाने भेजना पड़े। यस ओके ओके। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन। आफ्टरनून सर। हाँ, मुझे डॉक्टर खन्ना से मिलना है। 5 बजे के बाद आइए, क्योंकि 11 बजे से 5 बजे तक कोई भी विजिटर हॉस्पिटल में नहीं जा सकता, और अभी तो 2 ही बजे हैं। मैं विजिटर नहीं हूं मिस्टर, मैं तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूं। डॉक्टर खन्ना ने 2 साल से इनकम टैक्स नहीं दिया है, मुझे उनको नोटिस देना है। ओह, आई एम सॉरी। तब तो आप जा सकते हैं, डॉक्टर खन्ना का रूम नंबर 28 है। थैंक यू। इट्स ऑल राइट। गुड मॉर्निंग मिस्टर रिसेप्शनिस्ट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। ओह सॉरी, गुड आफ्टरनून। क्या आप भी इनकम टैक्स के आदमी हैं? इनकम टैक्स? अजय, इनकम टैक्स और मैं तो एक दूसरे को जानते तक भी नहीं। मैं तो एक विजिटर हूँ, मेरा दोस्त अनिल कुमार यहाँ बीमार पड़ा हुआ है, उससे मिलने आया। इस वक्त कोई विजिटर अंदर नहीं जा सकता। कमाल है, ये कैसा अस्पताल है? सुनिए, ये आदमी अंदर कैसे चला गया? ये बीमार है। ये बीमार है? तो फिर मैं भी बीमार हूँ। जी जी, मगर अभी तो आप विजिटर थे, बीमार कैसे बन गए? इस अस्पताल का ये कानून है क्या कि विजिटर बीमार नहीं हो सकता? जाइए जाइए साहब, हमारा टाइम मत वेस्ट कीजिए प्लीज। ये क्या झगड़ा है? नर्स, ये आदमी किसी बीमार से मिलने आया था। मैंने इससे कहा कि इस वक्त हॉस्पिटल में बीमारों के सिवा कोई नहीं जा सकता है, तो ये कहता है कि मैं बीमार। नर्स, ये क्लर्क है या के डॉक्टर है? क्लर्क। तो एक आदमी बीमार है या नहीं बीमार है, इसका फैसला इस अस्पताल में क्लर्क करते हैं या के डॉक्टर करते हैं? डॉक्टर। तो प्लीज टेक मी टू अ डॉक्टर। प्लीज कम। गुड आफ्टरनून। आई विल सी यू। आई विल सी हर। डॉक्टर खन्ना प्लीज। क्या बीमारी है तुमको? नर्स, तुमको देखकर कौन बीमार ना हो जाएगा? क्या? दिल का बीमार। देखो, इधर ऐसी बात करने का इजाजत नहीं है। देखो, जिधर इजाजत है उधर चलें। अरे बाबा, हमारा तो शादी हो चुका है। ओ, शादी का बात किसने किया? नर्स, तुम इतना नया सूरत और इतना पुराना ख्याल। आने दो उसे, मैं देख लूंगा। नर्स,
यस डॉक्टर। जरा एनिमा तैयार करो, एक खास मरीज आ रहा है, वो अभी अभी बीमार हुआ है और उसे फौरन ठीक करना है। यस सर। डॉक्टर साहब अंदर हैं? है। मे आई कम इन सर? यस कम इन। नर्स रेडी? यस सर। गुड डे। आप ही डॉक्टर खन्ना हैं? लेट जाइए। लेट? लेट मैं नहीं, लेट तो आप हैं, दो साल से। ये देखिए बॉय। यस सर। इनका कोट उतारो। कोट उतारो? अरे कोट क्यों उतार रहे हो, मगर मेरी सुनो तो सही, ये कागज तो देखो मैं क्या लाया हूँ। बीमार का रिपोर्ट मैं बाद में देखता हूँ, इन्हें ऊपर लेटा दो। लेटा दो? आपकी केस बहुत सीरियस है। केस मेरा नहीं, केस तो तुम्हारा सीरियस है। पैन ढीली करो। पैन ढीली करो? मैं तो उस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ जहाँ बड़े बड़ों की पैन ढीली हो जाती है, तुम्हारी भी पैन ढीली हो जाएगी। अरे बीमार बनता था डॉक्टर। यस yes? ये वही आदमी है जो जबरदस्ती बीमार बनकर अंदर आ गया है? ये वो आदमी है? तो फिर ये कौन है? मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, और ये रहा तुम्हारा नोटिस, लाओ मेरा को। जब मेरी ऑफिस में आओगे ना तब पता लगेगा कि मैं कौन हूँ। भाई साहब क्या है ये जो मुझे दिया जाने वाला था, वो आपको दे दिया क्या? शट अप। आपका नाम? जी मेरा नाम जौहर उर्फ बीरबल। आपका? मिस्टर जौहर उर्फ बीरबल, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जी जो मर्जी कीजिए, मगर अनिमा मत दीजिए। बात कम कीजिए, क्या काम है बताइए। जी काम ये है कि मेरा एक दोस्त इस अस्पताल में बीमार पड़ा है, मैं दिल्ली से उसे मिलने आया। कौन? जिसका नाम है अनिल कुमार। अरे रे रे, वो बेचारा दिमाग खो बैठा, वो अपने को गोरखपुर का जज कहता है। ये राम डॉक्टर, मैं उसे मिल सकता हूँ? ऑल राइट। शांता। यस डॉक्टर। इन्हें अनिल कुमार के कमरे में ले जाओ। डॉक्टर साहब वो कांता नहीं चल सकती? प्लीज गो अवे। प्लीज कम शांता। ये है उनका कमरा। कमरा तो उनका है, मगर वो कहाँ है? तेरा तो फिर कहाँ गए? नमस्कार, अच्छे हैं आपके? खैरियत है? मिर्जा साहब आधा वजह है, आधा वजह आप लखनऊ से कब तशरीफ लाए? कौन? आपको पहचाना नहीं? हम आपकी जगह में जल्दी मिल, बहुत जल्दी मिल। जी हाँ, जज विष्णु सहाय की बेवक्त मौत। गोरखपुर के हरदिल अजीज जज विष्णु सहाय मसूरी के दौरे से वापस आते हुए मोटर के हादसे में मर गए। आप भी चंदा देंगे? किस बात का चंदा भाई? ये पोस्टर पढ़ा आपने? जी हाँ वही पढ़ रहा था। ये हमारे शहर के मशहूर जज थे, नहायत देवता स्वरूप आदमी थे बेचारे। इनकी मृत्यु पर इनके दोस्त राजन बाबू और इनकी धर्म पत्नी माला देवी इनकी याद में इनका एक बुत बनवा रहे हैं। हम सभी इसमें काम में हाथ बटा रहे हैं, क्या आप भी इसमें कुछ मदद फरमाएंगे? अरे साहब ये तो नेक काम है, इसमें क्यों नहीं हाथ बटाएंगे। लेकिन पता नहीं हमारी जेब में कुछ पैसे वैसे भी हैं कि नहीं। हाँ ये दस दस रुपए का नोट है मेरे पास, ये हाजिर है, ये ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। अरे वाह 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 जज साहब, ये कमाल है, हमारे बुद्ध के लिए आप हमें से चंदा वसूल कर रहे हैं। ये लीजिए जी। हर चंदा देने वाले को विष्णु सहाय जी और उनकी धर्म पत्नी का चित्र मुफ्त में दिया जाता है।
विष्णु सहाय, मरने का कुछ तो फायदा हुआ। ये तो पता चल गया कि तुम्हारा दोस्त और तुम्हारी पत्नी तुम्हें कितना चाहते हैं, तुम्हारे लिए बुत बनवा रहे हैं। लेकिन माला, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी? वो तो समझ रही होगी कि मैं मर गया, उसका सुहाग उजड़ गया और मैं जिंदा हूं। मुझे फौरन उसके पास वापस जाना चाहिए, उसके आंसुओं को हंसी में बदल देना चाहिए। रानी, मैं जिंदा हूँ रानी, मैं आ गया। देख, तू आवाज मत कर, चिल्ला मत तू। मैं खामोशी से जाके माला के सामने खड़ा हो जाऊंगा, वो मुझे देखकर हैरान रह जाएगी, खुशी से पागल हो जाएगी। रानी, कोई आ रहा है। रानी, ऐसे नहीं जज साहब, जरा सब्र से, जरा प्यार से दबे पांव जाकर अपनी माला की आंखें बंद कर लो और फिर पूछो कौन। देखें तुम्हारी माला तुम्हें पहचानती है कि नहीं। राजन। फिर कौन? एक प्रेमी। किसका? एक सुंदरी का। कौन है वो? मेरे दिल की रानी। समझ गई। बतलाओ नाम। नहीं बताती। हाय, कितने खूबसूरत हैं। औरत का दिल जीतना तो कोई तुमसे सीखे। तुम्हारे पति तो हमारे साथ रहकर कुछ भी न सीख सके। याद है वो दिन उठा लाए थे एक सस्ता सहार? अरे उस दिन तो बाल बाल बच गए थे। किस सफाई से छुपाया था मैंने वो तुम्हारा दिया हुआ हार। अरे जानू, हमारा दिल भी तो तुमने बड़ी सफाई से छुपाया था। होगा कोई कुत्ता बिल्ला। कभी कभी तो मैं बहुत डर जाती हूँ। क्यों? ऐसे लगता है कि विष्णु खड़ा हमें देख रहा है। पगली, जो जिंदा होकर नहीं देख सका वो मर कर क्या देखेगा? न तू जमी के लिए है न आसमां के लिए, न तू जमी के लिए है न आसमां के लिए, तेरा वजूद है, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए, न तू जमीं के लिए है न आसमां के लिए। पलट के सूए चमन देखने से क्या
पलट के सूए चमन देखने से क्या होगा, वो शाख ही न रही जो थी आशियां के लिए, न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए। गरज परस्त जहां में वफा तलाश न कर, ओ गरज परस्त जहां में वफा तलाश न कर, ये शै बनी थी किसी दूसरे जहां के लिए, तेरा वजूद है, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए, न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए। गोरखपुर के स्टेशन पर बैठे हुए गोरख धंधा बना रहे हो और हमें भेज दिया मसूरी मसूर की दाल खाने को। माले यार अपनों से भी एक्टिंग। अरे मैं जौहर। कौन जौहर? समझा, डॉक्टर ने ठीक कहा था, बेचारा कत्ल के सदमे से अपनी याद खो बैठा। गुरुदेव, मैं जौहर उर्फ बीरबल, तुम्हारा यार, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा सलाहकार, तुम दीवान अनिल कुमार, दिल्ली वाले। अरे यार, दिल्ली में तुम्हारा इतना आलीशान मकान है, इतनी आलीशान दुकान, मेरा मतलब है थिएटर है, मोटर कारें हैं, नौकर चाकर हैं। अरे भाई, दिल्ली में तुम्हारा घर है, घर चलो। हाँ घर। ओह देखो, मेरे साथ घर चलो, वहां सब याद आ जाएगा। देखिए साहब, आप जो समझ रहे हैं मैं वो नहीं। देखिए साहब, जो आप समझ रहे हैं ना वो आप भी नहीं। अरे यार, सोचते क्या हो, दिल्ली की ट्रेन आने वाली है, चलो मेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। विष्णु सहाय, जिंदगी का एक रंग तो देख लिया, चलो अब दूसरा भी देख लो। जाने किस्मत को क्या मंजूर है। देखो गोविंद, कहाँ भागे? अरे कमलू, 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 पार्वती जल्दी आओ, कहाँ
डालो, हाँ डालो। शाबाश शाबाश। इसे माथी क्यों है? डाल दे डाल दे। बधाई हो सरकार, आप मुकदमे से बरी हो गए। हाँ सरकार बधाई हो, अरे बधाई है सरकार, बधाई है, वहां से तो बरी हो गए, यहाँ पकड़े गए। जहां पना ये आपका दीवान खास, आराम फरमाइए। और बंदा जरा दीवान आम हो के आता है। खैरियत से घर आ गए, भगवान का बड़ा उपकार है। तुम सोच भी नहीं सकते हम सब कितने परेशान थे। तुम पर क्या गुजरी होगी, कितना दुख पहुंचा होगा तुम्हें। हाँ, दुख तो पहुंचा। खैर अनिल, जो हुआ सो हुआ, अब उसे भूल जाने की कोशिश करो। कुछ बातें इंसान की जिंदगी में ऐसी होती हैं जिन्हें भुलाना आसान नहीं होता। जानती हूँ, कुछ बातें सचमुच ऐसी होती हैं जिन्हें भुलाना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। अब लाओ, लाओ मैं निकाल देती हूँ। अब धागा फंस गया शायद। बटन खोल दो। आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं तो हे राम। I'm gonna make it।
आज विष्णु सहाय मर गया। हेलो, हाँ मैं दीवान अनिल कुमार बोल रहा हूँ। तुम अनिल कुमार नहीं हो? नहीं, तुम अनिल नहीं हो। यही तो मैं भी कहता हूँ कि मैं अनिल नहीं हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं। सब लोग दीवान अनिल कह के पुकारने लगे तो मैंने कहा चलो यूं ही सही। दुनिया ने तुम्हें समझने में धोखा खाया है। मैंने भी दुनिया को समझने में बहुत बड़ा धोखा खाया है मीना देवी। आपका नाम मीना देवी है ना? तुम्हें नहीं मालूम? आप सामने पड़ोस के मकान में रहती हैं? हाँ, आगे बोलो। और आगे क्या बोलूं? कितना सुना था वो आपको बता दिया है? और कुछ याद नहीं है तुम्हें? कोई भूली बिसरी बात? नहीं, कुछ याद नहीं। और जो याद है मैं उसे भी भुला देना चाहता हूं। सुनो, तुम्हें अपना बचपन भी याद नहीं? बचपन? हाँ, दो छोटे छोटे लड़के, एक लड़की जिसने बरसों किसी का इंतजार किया। कोई किसी का इंतजार नहीं करता मीना देवी। इंतजार महज शायरों की कल्पना है, किताबों में लिखने के लिए, कहानियों में पढ़ने के लिए। आप ही बताइए, आप इस तरह बरसों तक किसी का इंतजार कर सकती हैं? हे राम, अरे भाई, बरसों के इंतजार का फैसला करने के लिए तो कई बरस पड़े हैं। वहां थिएटर में पद्मा देवी परसों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। सुन लिया आपने, वहां पद्मा देवी भी इंतजार कर रही हैं। सभी किसी न किसी का इंतजार कर रहे हैं।
ये धुन पहले भी कहीं सुनी है। आप? हाँ। कब आए आप? आपकी ये धुन खींच लाई मुझे। ये धुन खींच लाई आपको? आपने पहले कब सुनी है? कुछ याद आता है? नहीं, कुछ याद नहीं पड़ता। तो फिर याद कीजिए ना, आवाज के साथ साथ कुछ और भी तो याद कीजिए। ऐसे लगता है जैसे माजी के धुंधलके से कोई आवाज मुझे आ रही हो। धुआं है, मुझे कुछ याद नहीं पड़ता, कुछ याद नहीं पड़ता, मुझे कुछ याद नहीं पड़ता। मेरा गला सूख रहा है, एक ग्लास पानी मिलेगा? हाँ, अभी लाई। जाइए, याद आ गई ये धुन? बिल्कुल आसान है, बच्चे भी बजा लें। हाँ, बच्चे ही बजाया करते थे। कौन बच्चे? ये बच्चे। कौन है ये बच्चे? ये मैं हूँ और ये है सुनील। ये आप हैं? और ये सुनील कौन है? था एक लड़का, बहुत साल पहले यहाँ एक मेला लगा था, उसी में ये तस्वीर खिंचवाई थी। वो मेला फिर से आ रहा है, आप चलेंगे मेरे साथ? हाँ, चलूंगा। मुसाफिर मंजिल को ना पहचाने,
भूला हुआ मुसाफिर मंजिल को ना पहचाने, जिस दिल से दिल बांधा उस दिल को ना पहचाने, यारी बात मिटी रोना जीते जी, देखे अब क्या है मर्जी मालिक की, कहर करे तो खाक है सब कुछ, मेहर करे तो मेला 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 जगवाना, साथी मेरे चलता रहे विष्णु। तुम एक जज हो, एक शादीशुदा आदमी हो, एक मासूम कुंवारी लड़की से मोहब्बत करने का तुम्हें कोई हक नहीं, कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। सुनील, सुनील, तुमने मुझे बुलाया, तुम्हें सब कुछ याद आ गया। क्या याद आ गया मुझे? कौन सुनील? तुमने मुझे आवाज दी थी ना? हाँ, मैं समझा तुम भी इस मेले में कहीं गुम हो गए। और मैं समझी कि तुम शायद मिल गए। साहब, विजय बैंक के मैनेजर साहब आए हैं। बुला लो। ओह हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर शेट्टी। जी जॉन साहब, माय असिस्टेंट मिस्टर बाटलीवाला। हेलो मिस्टर बाटलीवाला, तशरीफ रखिए। थैंक यू। फरमाइए दीवान साहब, क्या हुक्म है? मिस्टर शेट्टी, मैं अपने दस्तखत बदलना चाहता हूँ। कोई खास बात है? खास ही बात है। एज यू लाइक। आप इस फॉर्म पर नए दस्तखत कर दीजिए, मैं चेकबुक भिजवा देता हूं। थैंक यू। है किसकी चिट्ठी है? ये लो पढ़ लो। श्रीमती माला देवी जी नमस्ते, आप मुझे नहीं जानती मगर मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। आपके स्वर्गवासी पति विष्णु साहेब मेरे बचपन के दोस्त थे। इनकी अचानक मौत की खबर पढ़कर मेरे दिल को बहुत दुख हुआ है। मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ मगर विष्णु सहाय आपके पति प्रेम की बहुत तारीफ किया करते थे। मैंने सुना है उनकी याद में आप उनका एक बुत बनवा रही हैं। मैं इस शुभ काम में हिस्सा ले सकूं तो अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। मेरी तरफ से ये 50,000 की तुच्छ भेंट स्वीकार करके शुभ काम में हिस्सा लेने का मौका दें। आपका शुभ चिंतक दीवान अनिल कुमार, पंचशील मार्ग, न्यू दिल्ली। इतनी बड़ी रकम, जरूर विष्णु का कोई खास दोस्त होगा। कमाल है, विष्णु ने तो कभी इनका जिक्र ही नहीं किया और ना ही कभी इनसे मुलाकात हुई है। तो अब मिल वो कैसे? लिखो जरा। क्या लिखो? लिखो, मैं लिखवाता हूं। क्या लिख रहे हैं आप? ये एक ड्रामा लिख रहा हूँ। ड्रामा? जी हाँ। आप खुद लिख रहे हैं? ये ड्रामा दरअसल है ही ऐसा, इसे मैं खुद ही लिख सकता हूँ। क्या नाम है इसका?
ड्रामे का नाम है दास्तान। किसकी दास्तान? ये एक ऐसे आदमी की दास्तान है जो कुछ कहना चाहता है कह नहीं सकता, कुछ खोना चाहता है खो नहीं सकता, कुछ पाना चाहता है पा नहीं सकता। इस ड्रामे को पेश करने में मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। मेरी मदद करेंगी आप? अगर आप कहेंगे तो जरूर करूंगी। वादा? वादा। मिलाइए हाथ। ए राम, क्या बात है? डाक है। लो। ठहरो ठहरो, एक आध मेरा भी है, सारी रात तुम्हारी थोड़ी होती है। ये मेरा, ये मेरा, ये तुम्हारा। ये माला देवी कौन है? इस बारे में अगर तुम मुझसे कुछ भी न पूछो तो अच्छा है। सामी लगती है, 2 लाख की तो घड़ी होगी। अच्छा मैं चलता हूं। क्यों? मैंने चाहता कि मुझे जहां देखे। ओके सी यू। हजार वादे तेरी एक बेसुबानी पर कुर्बान है मेरे दोस्त। इंसान हैवान बन गए और तू हैवान बनकर भी इंसान से बेहतर है। विष्णु सहाय से बहुत मिलती है ना? हमारे दोस्त भी अक्सर यही कहा करते थे, क्या आंख बंद कर लो तो पता ही नहीं चलता अनिल कुमार है या विष्णु सहाय। माफ कीजिएगा, शायद मैंने अपने स्वर्गवासी दोस्त की याद ताजा कर दी। जब उनकी याद आती है तो सब्र नहीं होता। सब्र कैसे होगा माला देवी, सब्र क्यों कर होगा, लेकिन सब्र तो करना पड़ेगा अवश्य।
अपने लिए नहीं तो उनकी आत्मा के लिए, उनकी शांति के लिए। आज विष्णु साय जहां भी होंगे, आपकी वफा का ये अजीब और गरीब मंजर उनकी आंखों के सामने होगा। जो बात हो जीते जी नहीं देख पाए, मर कर उन्होंने देख ली। लेकिन मैं तो उन्हें नहीं देख रही। वो एक बार मेरे सामने आ जाए तो पूछूं, मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गए। अगर आपको अपने साथ ले जाते तो किस तरह देख पाते कि आप इतनी पतिव्रता स्त्री हैं। अपने आप को रो रो कर आप कब तक हलकान करेंगी माला देवी? थोड़ी देर बैठ जाइए। मेरे पति अक्सर आपकी तारीफ किया करते थे, कहते थे मैं और अनिल दो दिल एक जान हैं। दो दिल एक जान नहीं माला देवी, एक दिल एक जान कहिए। हेलो डॉकी। अजीब बात है, ये कुत्ता तो किसी को मेरे पास फटकने ही नहीं देता और आपके पास बिल्कुल चुपचाप बैठा है। कहते हैं कुत्ते को भले बुरे की पहचान जो होती है। मेरे पति भी यही कहा करते थे। एक दिल और एक जान जो थे, जो वो कह गए वही आज मैं भी कह रहा हूँ। मैम साहब चाय रख दी। आइए जल्दी चाय पी लीजिए। चलिए। विष्णु को हमसे छीन कर इस अपने पर बड़ा जुल्म किया है। वो तो ठीक है माला देवी, मगर आपकी जवानी, आपका ये रूप, गम के आंसू में बह जाए, ये तो जिंदगी से बेइंसाफी है। क्या करूं, विष्णु के साथ मेरी दुनिया ही खत्म हो चुकी है। जब तक आपके पति जिंदा थे आपने उनके साथ वफा की, अब आप अपने साथ वफा कीजिए, अपनी जिंदगी के साथ वफा कीजिए। कैसी जिंदगी है, किसके लिए जिंदा रहूं? अकेला इंसान न रोता अच्छा लगता है न हंसता, कोई तो साथी होना चाहिए। मैं हूं आपके साथ, आप चिंता मत कीजिए। नमस्ते। नमस्ते राजन, आप हैं दीवान अनिल कुमार जी, इन्होंने ही विष्णु के भूत के लिए 50,000 का चेक भेजा था। अच्छा अच्छा, तो वो आप ही हैं। दोस्ती का हक अदा कर दिया दीवान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, मगर आपकी तारीफ। ये हैं राजन विष्णु के दोस्त, उनके बाद इन्हीं के सहारे जी रही हूँ। बाबा, दोस्ती का हक तो फिर आप अदा कर रहे हैं राजन बाबू। वाकई आप जैसे दोस्तों से ही दुनिया वफादारी का सबक सीखती है। वफा क्या साहब, मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, वरना आजकल के जमाने में दोस्त दोस्त के घर में आग लगाकर सामने खड़ा होकर तमाशा देखता है। आप जैसे महान लोग मिलते कहाँ हैं? आपकी तारीफ ने तो मेरा दिल बढ़ा दिया। चाय की प्याली पेश करता हूं। दीवान साहब, शायद आप कोई बिजनेस करते हैं? जी हाँ, बिजनेस करता हूं, लेकिन सफेद धंधा है, उसमें काला पीला कुछ नहीं, रुई और चांदी का सट्टा। तलवार की धार पे चलने वाली बात है, बड़ा एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन लुत्फ भी आता है। और टच वुड, भगवान की कृपा से आज तक एक पाई का नुकसान नहीं हुआ। तजर्बे की बात है साहब। तजर्बे तो ऐसे ऐसे हैं राजन बाबू कि अगर बयान करूंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खैर, चांदी का बाजार आजकल बहुत जोरों पर जा रहा है।
150 पेटी आप भी खरीद लीजिए, चुटकियों में लाखों का खेल हो जाएगा। थैंक यू दीवान साहब, थैंक यू वेरी मच। आप कितने अच्छे आदमी हैं, काश कि मैं आपको पहले देख पाता। मुझे भी इसी बात का अफसोस है राजन बाबू, काश मैं भी पहले आपको देख पाता। माला जी, मैं तो ये कहने आया था कि बुद्ध की नकाब कुशाई की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है, दीवान साहब को साथ लेकर वहाँ चले। चलिएगा जी। चलिएगा जी। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, मैं इसीलिए तो यहाँ आया। कम लेट्स गो। दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं जज विष्णु सहाय को उतना ही जानता था जितना कि मैं अपने आप को जानता हूं। अपने दोस्त के लिए उस शख्स के दिल में कितनी मोहब्बत थी, अपनी बीवी के लिए उसके दिल में कितनी लगन थी, कितना प्यार था, कितना विश्वास था, वो बयान से बाहर है। लेकिन एक अच्छे दोस्त से, एक नेक पति से कहीं ज्यादा बढ़कर वो एक इंसाफ पसंद जज थे। और आपने ये बुद्ध बनवाकर साबित कर दिया है कि विष्णु सहाय और उसका इंसाफ आज भी जिंदा है। और मैं अपने मरे हुए दोस्त की तरफ से आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं। माला देवी, मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल बनाकर पत्नी प्रेम की मिसाल कायम की थी, और आपने आज अपने पति का यह बुत बनवाकर पति प्रेम की मिसाल कायम की है। फिर भी जब मैं आपके इस भरपूर जवानी की तरफ देखता हूं तो सोच में पड़ जाता हूं, एक बेजान पत्थर के बुत के सहारे आपकी जिंदगी का यह लंबा सफर कैसे कटेगा। मेरे दिल में भी ऐसे लाखों सवाल उठते हैं, लेकिन ज़बान कुछ कह नहीं सकती। कुछ न कहे, फिर भी आपकी आंखें तो साफ साफ सब कुछ बता रही हैं। आज मेरी आंखें आपकी आंखों से कुछ पूछना चाहती हैं। आप अपनी आंखों को हमेशा छुपाए क्यों रखते हैं? माला देवी, इन आंखों ने जिंदगी में बेहयाई के और बेवफाई के वो तमाशे देखे हैं कि शर्म से अपना मुंह छिपा लिया इन्होंने। ये क्या पहेलियां हैं? ये पहेलियां आप नहीं समझेंगी। नहीं समझूंगी जी। नहीं नहीं ना। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। नमस्ते दीवान साहब, फरमाइए क्या सेवा की है? कोई बहुत तुमदा बड़ी कीमती सी चीज दिखाइए, किसी को तोहफा देना है। कीमती चीज तोहफा? हमारे जज साहब विष्णु सहाय जी तो फरमाया करते थे कि तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती, बल्कि तोहफा देने वाले का दिल देखा जाता है। आपके जज साहब बहुत भोले भाले आदमी थे पंडित जी, वो दुनिया को नहीं पहचानते थे। आजकल के जमाने में कौन कमबख्त इंसान के दिल को देखता है? अगर कोई चीज देखी जाती है तो वो बाहर की चमक, जाहिरी आंख जैसे जिस चीज को देखे वैसे उसकी कीमत लगाती है। बजा कितना खूबसूरत है, कितने का है? यही कोई 10-15 हजार रुपए का होगा। हाय, औरत का दिल जितना तो कोई आपसे सीखे। माला, मैं गम किस दुनिया से निकाल कर तुम्हें किसी और दुनिया में ले जाना चाहता हूं। लेकिन राजन,
राजन को इसमें क्या इतराज होगा? वो उनके दोस्त है ना। थैंक यू दीवान साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी चाहता आप तो आपका भी एक बुत बनवा दूं। पूरा 1,00,000 का मुनाफा हुआ है, पूरा 1,00,000 का फायदा हुआ है माला। तो आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। सब ठीक होगा दीवान साहब, जब आप है तो सब ठीक होगा। एक बात थी राजन बाबू, मैं कुछ दिनों के लिए माला देवी को अपने साथ ले जाना चाहता था, आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? नहीं नहीं दीवान साहब, जरूर ले जाइए, जरूर ले जाइए, मैं भी आपके साथ चलता, लेकिन आजकल आप जानते हैं मेरा जरा बिजनेस है, आप मेहरबानी से कुछ। वैसे आपको भी एक दिन जरूर आना ही पड़ेगा। हाँ जरूर आऊंगा, डेफिनेटली, आई विल डेफिनेटली कम। लेकिन ये तो बताओ, ये ड्रामे वाला लेखक है कहाँ? मुझे लगता है कि ऐसा गंदा ड्रामा लिखकर शर्म से कहीं छुप गया। फिर भी कोई एड्रेस, कोई टेलीफोन नंबर, पता? बिल्कुल लापता। ऐसा मत कहो मीना, ये तुमने अपने दिल की रेलगाड़ी सुनील की पटड़ी से उतारकर एकदम से अनिल की पटड़ी पे कैसे डाल दी? बीरबल, तुमसे एक बात कहूँ, किसी से मत कहना, तुम जिसे अनिल समझते वो अनिल नहीं, सुनील है। अनिल अनिल नहीं, सुनील है। हे राम, तपदिक के बीमार से मिलकर आदमी को तपदिक हो जाता है ये तो डॉक्टर लोग जानते थे, मगर पागल से मिलकर आदमी पागल भी हो जाता है ये डॉक्टर लोग नहीं जानते थे। बीरबल मेरी बात तो मानो, वो अनिल नहीं, सुनील है। मान गया। हे राम। सुनील है। हम सब बहुत परेशान थे, किसी को कुछ बता तो दिया होता, बिना कुछ कहे सुने चले गए। ये हमारे यहाँ आ गए थे। ए राम, तो आप माला देवी हैं? आप कैसे जानती हैं? ये जानने की जरूरत क्या है, हर औरत माला है, कुछ तो लोग गले में डाल लेते हैं और बाकी गले में पड़ जाती हैं। आप इनकी बात का बुरा ना मानिए माला देवी, ये मजाक करने की आदत है इन्हें। मेरे दोस्त हैं, इनका नाम जौहर उर्फ बीरबल। उर्फ बीरबल, आपकी तारीफ। आप मीना देवी, मेरी बचपन की साथी, यहाँ सामने पड़ोस के मकान में रहती हैं। आपका पड़ोस बड़ा रंगीन है। चलिए। मैंने कहा मीना, पड़ोस तो रंगीन है मगर ये मामला भी कुछ संगीन है। हे राम, यहाँ चली आई, मैं समझा था ऊपर आएंगी। ऊपर मेरे लिए कहाँ जगह थी, मेरी क्या जरूरत थी, वो हमें किस लिए आती, क्यों आती? आप जो समझ रही हैं वो गलत समझ रही हैं। हो सकता है, पर वो तस्वीर जो अपने ख्यालों में सजा रखी थी, वो तस्वीर आज टूट गई। ये मेरी बदनसीबी है कि न मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ, ना आपको कुछ समझा सकता हूँ। आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, भगवान के लिए मुझसे नाराज ना हो। आपसे नाराज होने का मुझे क्या हक है? हक है इसीलिए तो मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ। आपको देखकर हमेशा ये महसूस होता है कि जिंदगी के अंधेरे में कहीं तो उजाला है, जिस उजाले में मैं अपने आप को देख सकूं,
पहचान सकूं कि मैं कौन था और क्या हूं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या था, मेरी राह क्या थी। यकीन मानिए मीना जी, अगर आपने मुझे अपनी नजर से गिरा दिया तो मैं जिंदगी में कहीं का न रहूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं होता। विश्वास कीजिए मीना जी, मैं बगैर आपसे कुछ कहे सुने उस दिन यहां से चला गया था, ये जानते हुए कि मेरे इस तरह चले जाने से आपको दुख होगा। मैं अपनी इन तमाम हरकतों पर आज आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। जी जी, आप मेरे सामने इस तरह हाथ मत जोड़िए। जो दुख आपके चले जाने से हुआ था उससे कई ज्यादा सुख आपके लौट आने से मिला है। मैं अब आपसे कभी कुछ नहीं कहूंगी, कोई शिकायत नहीं करूंगी। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और करती रहूंगी। आप मेरा इम्तिहान लेना चाहते हैं, शौक से लीजिए। कौन किसका इम्तिहान ले रहा है, कौन जानता है मीना जी। जहां तक मैं जानता हूं, कुदरत का इंसाफ हर इंसान को अपनी कसौटी पर परख रहा है। शायद माला जी आपको बुला रही है। Hello, Trunk. Give me Delhi 73913. Yep. Hello. Diwan Sahab. Rajan. Diwan Sahab, aap devta. Is baar 10 lakh ka fayda hua hai, 10 lakh ka. Aur lagao, Rajan. Aur lagao, jaisa beej boge, waise hi phal milega. Jitna lagaoge, utna hi kamaoge. Bazaar upar ja raha hai, ghar ki pai pai laga do. आगे तुम्हारा नसीब। नसीब की बात मत करो दीवान साहब, नसीब तो आप मेरा बना रहे। आपकी बदौलत आज मट्टी में हाथ डालता हूं तो सोना हो जाती। इससे पहले कि सोना मट्टी हो जाए अपना सब कुछ लगा दो, करोड़पति बन जाओ राजन, मिलियनेयर, मिलियनेयर। थैंक यू, बाय बाय। हेलो, कौन? खेमजी सर, मार्केट का क्या हाल है? मार्केट, मार्केट बहुत ऊपर जा रही है राजन बाबू, ऊपर जा रही है। गुड, वेरी गुड। ऐसे करो 500 पेटी खरीद लो, नहीं नहीं 5000 पेटी खरीद लो, पाई पाई लगा दो मेरी। हाँ। नमस्ते दीवान साहब। दीवान साहब आपने कमाल कर दिया, मार्केट को कहां से कहां पहुंचा दिया आपने। बाजार ऊपर जा रहा है, एकदम ऊपर जा रही सरकार। मेरी तमाम पेटियां बेच दीजिए। जी, ये आप क्या कह रहे हैं दीवान साहब, मार्केट खत्म हो जाएगी, सब बर्बाद हो जाएंगे, सब लूट जाएंगे। मैं भी यही चाहता हूँ, बेच दीजिए मेरी तमाम पेटियां। अच्छा जी, क्या जैसल ट्रांक टुडे, अरे बनने दीजिए क्या, आज के दिन आप कोको कोला पी रहे, विस्की पीजिए, विस्की, चीयर्स, 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 चीयर्स। बात क्या है राजन बाबू, आखिर ये हंगामा किस? बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है पंडित जी, अपनी किस्मत चमकाने वाला मिल गया है। सट्टे बाजार का सूरज उसके हुक्म से निकलता है और उसी के हुक्म से डूबता है। क्या बात है राजन बाबू। अरे राजन बाबू कल सुबह तक करोड़पति हो जाएंगे और उसके बाद ये सारा शहर खरीद लेंगे। रुपए की बारिश होने वाली है। बारिश ही होने वाली है राय साहब, रुपए की बारिश ही होने वाली है। अभी आता होगा टेलीफोन, अभी आता होगा। आ गया टेलीफोन, आ गया। कहो गंजी भाई, कितना नफा हुआ? इम्पॉसिबल, दैट्स लाई। क्या कहा? मार्केट बैठ गई, दीवान अनिल कुमार ने सब कुछ बेच डाला। मैं बर्बाद हो गया, मैं कंगाल हो गया।
कौन? माला? बोल रही हूँ राजन। कहाँ है वो बदमाश अनिल? क्यों, क्या हुआ? उस कमीने ने मुझे तबाह कर दिया, मुझे बर्बाद कर दिया। कैसे? उस कमीने के कहने से मैंने अपनी सारी पूंजी सट्टे पे लगा दी, लेकिन उस कमबख्त ने मुझे धोखा दिया। तुम भी तो किसी कमबख्त को धोखा देते रहे थे राजन। माला, क्या तुम मेरी मोहब्बत को धोखा कहती हो? नहीं, धोखे को मोहब्बत कहती हूँ। जलील औरत, तू क्या तुम भी उस कमीने बदमाश के साथ मिल गई हो? तुम तो जानते हो हम किसी के साथ नहीं, बस अपने ही साथ हैं। ऐसा मत कहो माला, मैं मर जाऊंगा। मर जाओगे तो मैं तुम्हारा भी एक बुत बनवा दूंगी। जलील कमीनी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बहुत खुश नजर आ रही हो। तुमने कहा था ना, अपनी जिंदगी से वफा करो, वही कर रही हो। तुम वफा कर रही हो? कल की यादों को भुलाकर आज को अपना रही हूँ, तुम मेरा आज हो। माला, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो अपना कल इस तरह भुला सकती हो। और कुछ लोग इतने बदनसीब हैं जो बीते हुए जमाने को भुला ही नहीं सकते। नहीं, उनकी बात और ही होती है। वो बड़े महान लोग होते हैं मीना देवी, इनकी और मेरी तरह नहीं। उलझी हुई बातें करना तो कोई आपसे सीखे। उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं मीना जी। कहिए कहाँ की तैयारी है? भूल गए, आज आपका ड्रामा दास्तान पेश होने वाला है। थिएटर नहीं चलेंगे आप? हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया। अच्छा, आप एक काम करेंगी? जो हुक्म। आप माला देवी को अपने साथ थिएटर ले जाएंगी? लेकिन, और आप? मैं बाद में आऊंगा। मैं बाद में आऊंगा, मुझे यहां किसी का इंतजार है। आइए राजन बाबू, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मैंने कहा था ना, एक दिन आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। मुझे बर्बाद करके आराम से बैठे हो, मगर कितनी देर? मैं तुम्हें वो मजा चखाऊंगा जो मरते दम तक याद रखोगे। अच्छा, बेईमान, बददियानत, बेशर्म, बेवफा, दोस्त कहकर दगा देते हो, गले लगाकर गला काटते हो। जलील नीच कमीने, मुझे तबाह करके मेरी महबूबा को भी ले आए, लेकिन तुमने अभी असली राजन को नहीं पहचाना। तुमने भी मुझे नहीं पहचाना राजन, मैं तो तुम्हारी महबूबा को लाया, लेकिन तुमने तो मेरी बीवी मुझसे छीन ली। बंद करो ये बकवास। विष्णु, बेईमान, बेवफा, दोस्त कहकर दगा देने वाला, गले से लगाकर गला काटने वाला, और तुम ईमानदार,
वफादार, दोस्ती के नाम पर कलंक। तुम जैसे बदकार इंसान, घरों को बर्बाद करने वाले इंसान, जहां कदम रखते हैं वो जमीन नापाक हो जाती है, जिस फिजा में सांस लेते हैं वो फिजा जहर से भर जाती है। कमजर्फ, तुम मुझे मारने आए थे ना? लो मारो, मारो। मारते क्यों नहीं? मुझे माफ कर दो विष्णु, मुझसे वो पाप हुआ है जो गिरे से गिरे इंसान को भी नहीं करना चाहिए। मैं एक दाग हूं इंसानियत के नाम पर, इस दाग को मिटा डालो विष्णु। मेरी मौत ही मेरे गुनाहों का प्रायश्चित है। मुझे मार डालो, मुझे मार डालो विष्णु, और ऐसी खौफनाक सजा दो कि दुनिया के लिए इबरत बन जाए। तुझे सजा देना भी इंसाफ के साथ बेइंसाफी है। राजन, मैंने तुझे अपना दोस्त समझा था। जा, उस दोस्ती के नाम पर मैंने तुझे माफ किया। तेरा गुनाह ही तेरी सजा है। दूर हो जा मेरी नजरों से। भगवान, इंसाफ करना भी कितना मुश्किल है। मैं इसका इंसाफ तुम पर छोड़ता हूं भगवान। भगवान, शायद तुम्हें माफ नहीं कर सका राजन। थिएटर का एक अनोखा डांस ड्रामा पेश किया जा रहा है जिसका नाम है दास्तान। इसे इस थिएटर के मालिक ने खुद लिखा है और लेखक का कहना है कि यह दास्तान एक बिल्कुल सच्ची दास्तान का नक्शा है। उम्मीद है कि आप सब इसे पसंद फरमाएंगे।
कहाँ जा रहे हो? अभी अभी माला भाग कर निकल गई, अब आप भागे जा रहे हैं। क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं? इस ड्रामे का अंजाम क्या है वो तय करने जा रहा हूँ। तुमने आने में बहुत देर कर दी विष्णु। बहुत अच्छा हुआ तुमने पहचान लिया, मेरा काम आसान कर दिया। ड्रामा अच्छा लिखा है। पसंद आया? बहुत पसंद आया। अगर जज साहब ये ड्रामा खत्म भी तो करो। मैं वही ड्रामा खत्म करने आया हूँ। क्या सजा देती हो? मैं कौन होता हूँ सजा देने वाला? तो फिर फैसला कौन करेगा? फैसला फैसला ये दो गोलियां करेंगी, एक में जहर है एक में नहीं है, एक तुम खाओगी एक मैं खाऊंगा। तुम क्यों खाओगे? जज होकर बीवी से रियायत करते हो, ये कहां का इंसाफ है जज साहब? आज मैं जज नहीं हूं, फरियादी हूं मैं, भगवान की अदालत में फरियादी हूं। आज इंसाफ वही करेगा। माला ये क्या किया तुमने? ये क्या किया माला? विष्णु मैं बहुत बेचैन थी, बाप का बोझ बहुत देर तक नहीं उठा सकती थी। तुमने आने में देर कर दी विष्णु, जो फैसला तुम भगवान पर छोड़ना चाहते थे वो मैंने खुद कर लिया था बहुत पहले। माला ये क्या किया? मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी, मेरा गुनाह तुम्हारी माफी से नहीं धुल सकेगा, किसी माफी से नहीं धुल सकेगा। उसके पास जाने से पहले मैं अपने पैदा करने वाले से इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुझ जैसी और तेज दुनिया में पैदा ना हो तो ही अच्छा है। क्या तेरी ये दुनिया पाप के बगैर नहीं चल सकती? क्या नेकी और बदी का साथ जरूरी है भगवान? मैं इसे तेरा इंसाफ समझूं या इंसान का इंतकाम? मीना जैसा कर्म करे है कोई
नरक कहो या स्वर्ग कहो सब इस जग में मिल जाए सब इस जग में